हेलो फ्रेंड्स, आज आपको हमारे यूट्यूब चैनल बंटी सिंह जीनियस में स्वागत है। सॉरी उसके लिए कि ये उसमें नहीं जा पाया उस वीडियो में, इस वीडियो में कर देते हैं। इसमें क्या है कि हमें प्रूव करना है कि ए बी प्लस डी सी इक्व टू ए डी बी सी। तो हम गिवन लिखेंगे ए बी सी डी इज अ क्वाड्रिलेटरल, ठीक। टू प्रूव में ए बी प्लस डी सी प्लस ए डी प्लस बी सी। तो कंस्ट्रक्शन लिखेंगे कि जॉइन ओ एस ओ क्यू ओ पी ओ आर, इतना ही बहुत है। तो हम यहाँ लिखेंगे कि अब प्रूफ देखते हैं कि डी एस इक्वल्स टू डी आर, आर डी कर लीजिए, वन लिख देते हैं। वन इसलिए क्योंकि इसलिए थोड़ा सरल बनाने के लिए हम यहाँ से शुरू करते हैं कि ए पी इक्वल्स टू ए एस, इसे वन डालते हैं क्योंकि एक्सटर्नल पॉइंट क्या है इसका, एक्सटर्नल पॉइंट फ्रॉम कि टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट टू आ टेंजेंट टू आ सर्कल आर इक्वल, ये थ्योरम बनेंगे थ्योरम 10.2, ये में डालते हैं, इसके लिए हम चलेंगे, ठीक। अब हम क्या करना है कि पी बी इक्व टू बी क्यू, इसको सेकेंड कर लेते हैं, सेम उसमें लिखा जाएगा। अगला डी आर इक्व टू आर सी, डी आर इक्व टू डी एस, डी एस इक्व टू थ्री, इसका पॉइंट क्या हमारा पी बी इक्व टू बी क्यू बी था, इसका एक्सटर्नल पॉइंट हमारा डी है, और आर सी इक्व टू सी क्यू, इसको फोर डाल देते हैं, इसका एक्सटर्नल पॉइंट हमारा सी है। तो हमें लिखेंगे कि एड वन टू थ्री एंड फोर, तुम लिखेंगे ए पी प्लस बी पी, इसके ब्रैकेट में प्लस चल रहा है डी आर प्लस आर सी, इसे सेकेंड ब्रैकेट में, इसमें हम लिखेंगे आगे क्या है, अब ये वाले ए एस, ए एस प्लस डी एस, इसे हम लिखते हैं ए एस प्लस बी क्यू प्लस डी एस प्लस सी क्यू, ठीक। अब क्या कहेंगे यहाँ ए पी सेम लिखेंगे बी पी डी आर प्लस आर सी, ठीक। अब हमारे पास क्या है ए एस का हमारा ए एस और डी एस चाहिए, तो ए एस प्लस डी एस कॉमन एक ब्रैकेट में प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू एक ब्रैकेट में, ठीक। अब ए पी प्लस बी पी यहाँ क्या बताया ए पी, और डी आर प्लस आर सी यहाँ बनाएगा डी सी, इक्व टू हम यहाँ लिखेंगे जैसे यहाँ ए एस प्लस एच डी बनाएगा हमारा ए डी, प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू बनाएगा बी सी। प्रूफ हो गया कि किसी क्वाड्रिलेटर में सर्कल सर्कमस्क्राइब होता है।